इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी टाइम से हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे कस्टमर्स का ये क्वेरी था कि हम कॉटन टी शर्ट्स पे कैसे प्रिंट करें। बहुत सारे ऑप्शन है, विनाइल जैसे प्रिंट कर सकते हो आप, स्क्रीन प्रिंट कर सकते हो, लेकिन जब भी आप विनाइल और स्क्रीन प्रिंट करने की हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हम मल्टी कलर प्रिंट नहीं कर सकते। वो प्रिंटिंग बहुत अच्छी है लेकिन वो वन और टू कलर्स तक ही लिमिट होके रह जाती है। तो अगर हमें मल्टी कलर प्रिंट करना है तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है? बार बार ये बात उठी, बार बार ये सवाल उठा, कई सारे हमने सॉल्यूशंस भी खोजने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस जो थे वो बहुत महंगे थे, सेटअप्स बहुत महंगे थे, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत महंगी थी। लेकिन आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है और वो ये है कि एक बहुत ही अच्छा नया प्रिंटिंग का एक सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आप कॉटन टी शर्ट्स पे और पॉलिएस्टर ब्लैक टी शर्ट्स पे मल्टी कलर में प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम है DTF। DTF मतलब डायरेक्ट टू फिल। दोस्तों, DTF में बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस पूरे वीडियो में हम DTF का प्रिंटिंग करते हुए आपको दिखाएं। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को देखना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स कॉलम में अपने कमेंट्स भी जरूर छोड़ें। तो मैं वापस आता हूं कि DTF सेटअप होता क्या है। दोस्तों, DTF सेटअप में सबसे पहले हम एक एप्सॉन का प्रिंटर लेते हैं जो कि 6 कलर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मल्टी कलर करने के लिए आपको एटलीस्ट व्हाइट इंक की जरूरत पड़ेगी, अदर देन जो बाकी कलर्स है। तो कोई भी 6 कलर का A4 या A3 का प्रिंटर ले सकते हैं, एप्सॉन का L805 या L1800। उसके साथ में हमें DTF की इंक्स लेनी पड़ेगी। DTF की इंक्स के अलावा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे टेबल के ऊपर, ये कुछ पेट फिल्म्स हैं। DTF करने के लिए ये पेट फिल्म्स को हमें यूज करना होगा और ये पेट फिल्म्स जो हैं ट्रांसपेरेंट फिल्म्स जैसी आती है और इसे हम वही DTF के प्रिंटर से प्रिंट करेंगे, जो एप्सॉन का प्रिंटर जिसमें हमने DTF की इंक डाली उस प्रिंटर से हम प्रिंट करेंगे और इससे आप कोई भी तरह का डिजाइन प्रिंट कर सकते हैं। सोचिए दोस्तों, कोई भी तरह का डिजाइन, मतलब अब आपके पास में कोई कलर का लिमिटेशंस नहीं है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये फिल्म और ये इसका प्रिंटिंग का कॉस्ट इनका मिला के बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे प्रिंटिंग सेटअप की तरफ, जहां मैं आपको कुछ सिंगल कलर प्लस कुछ मल्टी कलर प्रिंटिंग दिखाऊंगा और अलग अलग कलर के टी शर्ट्स पे भी हम दिखाएंगे। हम ब्लैक पे भी देखेंगे, हम व्हाइट पे भी देखेंगे, हम रेड पे भी देखेंगे कि कैसा आता है। तो आइए लेके चलता हूँ अपने प्रिंटिंग सेटअप की तरफ, जहाँ हमारे डिजाइनर बता रहे हैं कि हम कैसे उसको डिजाइनिंग करेंगे। इसका एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, हम आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे। ये सारी चीजें आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी, उसके लिए आप फिर से मेरे दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बिना देर किए आपको ले चलता हूँ हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर के बाद हम आपको दिखाएंगे कि प्रिंट कैसे होता है और उसके बाद हीट प्रेस मशीन में कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिंट निकल चुका है हमारा और ये जो डिजाइन है ये मल्टी कलर डिजाइन है जिसे हम ब्लैक कॉटन टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हीट प्रेस मशीन में हम इसको जो है कैसे ट्रांसफर करेंगे कॉटन।
ये हमारा हीट प्रेस रेडी हो चुका है और ये हम ब्लैक कॉटन टी शर्ट के ऊपर इसको हम 15 सेकेंड तक हीट करेंगे 130 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। बहुत ही कम समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। ये देखिए समय ऑलरेडी हो चुका है। ये हल्का सा हम इसे रब करेंगे और रब करने के बाद में हम स्लोली इसे पील ऑफ कर देंगे। ये देखिए ये स्लोली स्लोली हम इसे पील ऑफ कर रहे हैं। कितना खूबसूरत आया है ये। आप किसी भी तरीके के कॉटन टी शर्ट पे, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, रेड हो, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा बाकी कॉटन टी शर्ट पे जिसके ऊपर हमने अलग अलग डिजाइन दी हैं, और कोई भी पॉलिस्टर टी शर्ट पे भी आप कर सकते हैं इसको। आप स्वेट शर्ट, डेनिम जैकेट, उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं।